जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजु राजपूत और आप सभी हैं ज्ञान से तरोज जानकारी चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी स्किन पर ज्यादा ग्लो और सदैव के लिए जमा कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी स्किन की देखरेख कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा उपाय है बहुत ही अच्छा है। इस उपाय से आपकी स्किन तो चमकदार बनेगी ही और साथ ही आप अपनी बॉडी को अंदर से भी मजबूत बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दो उपाय बताएंगे, एक आपको खाने के लिए और एक आपको अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिससे कि आपकी स्किन पे चमक आने वाली है और आप सदैव जमा बने रहने वाले हैं। बहुत ही इजी चीज है जो हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही सरल है, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आप हमारे इस नुस्खे को जान पाएंगे और अपनी स्किन को सदैव के लिए जमा बना पाएंगे। यहाँ पर हम अलसी के उपयोग के बारे में आपको बताएंगे कि आप अगर अलसी जानते हैं तो आप इसका उपयोग सर्दियों में जरूर करिए। अलसी को फ्लैक्सीड भी कहते हैं, तो आप लोग अगर अलसी के नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये फ्लैक्सीड भी इसको कहते हैं और ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप अलसी के बीजों के फायदे के बारे में जानेंगे तो इससे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्किन के साथ साथ ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको आप कैसे तैयार करेंगे अपनी स्किन के लिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आप अपनी स्किन को अगर ग्लोइंग, चमकदार और नम बनाना चाहते हैं तो इसको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो आप सभी लोग सर्दियों के मौसम में तो फेस पैक लगाते ही होंगे और फेस पैक में ही मिला करके इसको आपको लगाना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है। सभी लोग फेस पैक लगाते होंगे किसी न किसी तरह से। बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाते हैं, नीम का भी फेस पैक आता है, चंदन का भी फेस पैक आता है। तो ये सारे फेस पैक आप लोग हमेशा यूज करती होंगी। तो इसमें आपको अलसी के बीजों को पीस लेना है, पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच की मात्रा में ये फेस पैक में ही आपको मिलाना है और इसको अपने फेस पर लगाना है। जिस तरह से आप फेस पैक लगाती हैं उसी तरह से ही आपको पूरा लगाना है। सिर्फ इसमें अलसी के बीजों को पीस करके मिला लेना है और अपने फेस पे लगाना है। इससे आपके जो फेस के दाग, धब्बे, झुर्रियां, झाइयां जो भी होंगी वो सारी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। अलसी आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी खत्म करती है। अगर आपकी स्किन लटक रही है, झुर्रियां हैं या आप अपनी स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं तो अलसी का इस्तेमाल जरूर करें। अलसी के बीजों को पीस लीजिए और इसको फेस पैक में मिला करके अपने फेस पर लगाएं। इससे आपकी स्किन भी टाइट होगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। और तो ये तो हमारा जो उपयोग था ये आपकी स्किन के लिए था। और अगर आप सर्दियों में अपनी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको अलसी के बीजों का सेवन भी करना चाहिए। दिन भर में आप 2 चम्मच अलसी के बीजों का सेवन भी कर सकती हैं। आप सलाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दोपहर में आप सलाद में छिड़क करके भी इसको खा सकती हैं। और सबसे सही खाने का तरीका जो है दोस्तों वो है कि आप रात के समय 1 चम्मच अलसी पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसको खा लीजिए और पूरा पानी आप पी जाइए। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो इससे आपका बीपी भी नॉर्मल होता है। अलसी के बीजों को आप दोपहर में जब भी खाना खाएं तो सलाद के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं या फ्रूट अगर खाते हैं आप फ्रूट में भी डालकर इसको खा सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए तो अच्छा है ही। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।